हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज का एक और स्मैकडाउन का एडिशन हो चुका है ख़त्म। बहुत ही अच्छी एंड कमाल की स्मैकडाउन थी भाई। आज मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि रोमन रेंस नहीं रहेंगे, पॉल हेमन वगैरह नहीं रहेंगे, वैसे ही कुछ हमको चीज़ें देखने को मिलती है। रोमन रेंस एंड पॉल हेमन नहीं रहते एंड उसके अलावा भाई पूरी ब्लड लाइन थी रोमन एंड पॉल हेमन को छोड़कर। तो शो की जो शुरुआत हमको स्मैकडाउन की जो शुरुआत हमको देखने को मिलती है भाई, वो देखने को मिलती है सोलो सिकोवा सैमी जेन वर्सेस रिकोशे एंड मैड कैप मूस की मैच। एक स्टार्टिंग में मैच रख दी भाई, काफ़ी अच्छी थी, हद तक काफ़ी कमाल की थी। शो की जो शुरुआत है ऐसे मैचेस के साथ हो तो और भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड इस मैच की मैं बात करूँ तो भाई सोलो सिकोवा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करने लग गए हैं सैमी जेन के ऊपर। अपने खुद के भाइयों को छोड़कर भाई सैमी जेन के साइड हो रहे हैं अपने सोलो सिकोवा। अब चलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीन होता है। सोलो सिकोवा यहाँ पे अपना सिग्नेचर मूव लगाते हैं रिकोशे के ऊपर एंड 1, 2 एंड 3 मैच को जीत लिया भाई अपने सोलो सिकोवा एंड सैमी जेन ने। स्टार्टिंग में ही मैच को जीत लिया। अब उसके बाद हमको शो पे एक और मैच देखने को मिलती है, वो मैच थी भाई अपनी ड्रू मैकइंटायर बनाम ऑस्टिन थ्योरी की मैच। अब ये मैच रैंडमली पिक करी गई थी, शाह सिंह के बीच में कोई फ्यूड है नहीं अभी के लिए, बट रैंडम सी ये मैच थी। इस मैच के अंदर सीन क्या होता है, अपने जो ड्रू मैकइंटायर जब आते हैं ऑस्टिन थ्योरी एक कुछ इशारा करते हैं, वहाँ से भाई अल्फा एकेडमी आ जाती है। अब बताने वाले अल्फा एकेडमी क्या करने आई थी यहाँ पे। अब देखो मेन इवेंट में जो मैच हो रही है इसकी जो बिल्डअप थी यहीं से शुरुआत होती है। देखो इस मैच के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाती है क्योंकि अल्फा एकेडमी भाई ऑस्टिन थ्योरी को जिताना चाहती थी, इसी वजह से ड्रू मैकइंटायर के ऊपर वो चढ़ गए। तीनों लोग चढ़ते हैं, मारने की कोशिश करते हैं एंड वहां से आ जाते हैं केविन ओन्स एंड जॉनी गार्गानो। अब ये दो लोग आ गए, मैंने कहा था मेन इवेंट में ये मैच है जो इनकी बिल्डअप अभी हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो छह बंदे थे वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं एंड यहीं पे जो सेगमेंट वो ख़त्म हो जाता है। अब भाई इनके लिए जो इनकी मैच थी वो ऑफिशियल हो गई थी कि मेन इवेंट में ये लोग लड़ेंगे। मेन इवेंट के अंदर हो जाएगा भाई ड्रू मैकइंटायर केविन ओन्स जॉनी गार्गानो बनाम ऑस्टिन थ्योरी एंड अल्फा एकेडमी की मैच। ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं थे, मैंने कहा था कि भाई फ्लोरिडा में यू नो हैरिकेन वगैरह आया था, इसी वजह से काफ़ी सारे सुपरस्टार्स आज हमको मिसिंग रहे शो के अंदर, बट कोई बात नहीं। ओवरऑल अगर हम स्मैकडाउन की बात करें काफी अच्छी थी, तो बात करते हैं उसके बारे में। उसके बाद हमको शो के ऊपर गाइस लॉस लेथारियोस आते हुए दिखाई देते और इनकी मैच थी भाई हिटरो के अगेंस्ट। एंड वही मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस मैच के बारे में क्योंकि भाई हिटरो इस मैच को जीत लेती है। वही हो रहा है हर हफ्ते, हिटरो आ रही है, परफॉर्म अच्छे से कर रही है, फिनिशर वगैरह लगा रही है एंड मैच को अपने नाम करके जा रही है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है भाई हिटरो। तो हाँ ये मैच काफ़ी अच्छी थी, ज़्यादा बात नहीं करता इसके बारे में मैं। उसके बाद हमको एक और मैच देखने को मिल जाती है, वो है रोंडा रॉजी बनाम नटालिया की। अब देखो रोंडा रॉजी आई थी तो ज़रूर है मैच लड़ने के लिए नटालिया के साथ, बट उनकी जो एक्सट्रीम रूल्स में मैच होने वाली है लिव मॉर्गन के साथ, लिव मॉर्गन भी वहाँ पे आ जाती है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे रोंडा रॉजी मैच को जीत लेती है, नटालिया को सिग्नेचर मूव में डाल देती है एंड जीत जाती है मैच को। उसके बाद रोंडा रॉजी सेलिब्रेशन करते हुए जा रही थी एंड वहाँ से एंट्रेंस से आ जाती हैं लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन के हाथ में चैंपियनशिप भी थी एंड लिव मॉर्गन के दूसरे हाथ में बेसबॉल स्टिक भी थी। अब पता नहीं इनके जो इरादे हैं भाई लिव मॉर्गन के क्या कह रहे हैं। अब वो आती हैं एंड वो कहती हैं कि मैं तुझे बताना चाहती हूँ एक्सट्रीम रूल्स में क्या होने वाला है एंड भाई अपनी जो रोंडा रॉजी कहते हैं कि भाई ठीक है आजा बता दे क्या करेगी तू। और भाई लिव मॉर्गन कोशिश तो बहुत ज़्यादा की, मेरे हिसाब से भाई कोशिश अच्छी की मारने की, चोट पहुँचाने की रोंडा रॉजी के ऊपर, बट वैसे कुछ हुआ नहीं क्योंकि रोंडा रॉजी आपको पता है भाई किस तरीके से तगड़ी इंसान है, ब्रॉक लेसनर से कंपेयर करते हैं उनको। तो वैसे ही कुछ चीज़ें करती हैं भाई, उठा के पटक देती हैं लिव मॉर्गन को एक तरफ एंड जब रोंडा रॉजी मारने की कोशिश करते हैं पीछे से भाई गार्ड्स वगैरह आके रोक देते हैं। तो यही कुछ सेगमेंट होता है हमको देखने को मिलता है। जो ओवरऑल स्मैकडाउन की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छी थी भाई अभी तक। उसके बाद हमको शो के ऊपर इम्पेरियम आती हुई दिखाई देती हैं, गंथर वगैरह एंड उनकी टीम। अब देखो ये आती हैं एंड वो बकबक करना स्टार्ट कर देते हैं शेमस के बारे में। अब यहाँ पे शेमस तो आना ही था, शेमस आ जाते हैं एंड इनके बीच में फिर से भाई ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। एक्सट्रीम रूल्स तक तो भाई रुक जाओ क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में ब्रॉल आपको दिखा देना क्लैश एट द कैसल में जितनी बढ़िया मैच थी, ऐसे क्यों लग रहा है कि भाई एक्सट्रीम रूल्स में भी उतनी ही बढ़िया मैच होगी। बट यहाँ पे फिर से इनकी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है, ब्रॉल में ज़्यादा कुछ था नहीं, अपनी शेमस को मारते हैं, फिर भाई शेमस फिर से माइक लेके बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं गंथर की।
फिर से भाई कुटाई हो जाती है शेमस की, इतना ही कुछ ज़्यादा खास नहीं था। उसके बाद हमको शो के ऊपर डैमेज कंट्रोल की हेड बॉस यानी कि बेली दिखाई देती हैं। योस्काई एंड डकोटा काय नहीं थी, हेड बॉस थी वो थी बेली। बेली आती है भाई, इनकी मैच थी शॉर्टजी ब्लैक हार्ट के साथ। अब यू नो शॉर्टजी ब्लैक हार्ट भाई रॉ के अंदर आके पूरी डैमेज कंट्रोल को डैमेज देना चाहती थी, बट हुआ नहीं वैसे। तो यहाँ पे इनकी मैच रख दी, जहाँ पे भाई शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को लैडर के बीच में सैंडविच कर दिया था, मतलब कि लैडर के बीच में उनको लेटा दिया था, एंड ऊपर से वो स्टॉर्म लगाना पता नहीं क्या करना चाहती थी। बट वहाँ पे आ जाती हैं अपनी बियंका ब्लेयर भाई आके रोक देती हैं, अपना सिग्नेचर लगाने की कोशिश करती हैं बियंका ब्लेयर, बट वहाँ से भी बच के निकल जाती हैं बेली। तो ये कुछ हमको सीन देखने को मिलता है, पता नहीं भाई अब ये क्या हो रहा है। क्योंकि जो भी है ठीक ठाक है, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो आगे जो होता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जहाँ पे ड्रू मैकइंटायर, इन ओवंस, जॉनी गार्गानो वर्सेस अल्फा एकेडमी एंड ऑस्टिन थ्योरी की मैच। एंड ये मैच की भाई क्या ही बात करूं मैं, मेन इवेंट में कितनी धमाल की मैच थी, है बहुत ही उमदा मैच थी भाई, काफ़ी कमाल की मैच थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस मैच को देखते हुए। परफॉर्मेंस में भाई नो डाउट सभी लोगों ने अच्छा किया, हर एक बंदे ने, बहुत ही कमाल की मैच थी। बट यहाँ पे जो अपने ड्रू मैकइंटायर, जॉनी गार्गानो, केविन ओवंस जीत जाते हैं, काफ़ी तगड़ी मैच थी, ठीक है, लंबी भी थी एंड काफ़ी अच्छी मैच थी। तो यहाँ पे भाई हाल ओवरऑल हम देखें तो हाल चाल भाई स्मैकडाउन की काफ़ी तगड़ी थी, रोमन नहीं है फिर भी भाई काफ़ी कमाल की थी। अब मैंने आपको कहा था कल की वीडियो में फ्लोरिडा के अंदर भाई एरुकेन वगैरह आया, तो थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है स्मैकडाउन के अंदर, बोरिंग सी हो सकती है, बट मुझे भाई कहीं से भी बोरिंग नहीं लगी, मैं मेरे वर्ड्स को लेना चाहूँगा, बोरिंग तो कहीं से भी नहीं थी और कमाल की थी भाई स्मैकडाउन, बहुत ही मज़ा आया। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।